हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद न्यू अनदर ब्लॉग। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं प्लांट हैंगर। तो सारे काम से फ्री होने के बाद में मैं जा रही हूँ जुगाड़ लगाने, कुछ ना कुछ ढूंढने प्लांट हैंगर के लिए। देखो, काफ़ी सारा मेटेरियल चाहिए होता है, डोरी चाहिएगी, फ्लावर्स चाहिए, मतलब जो भी प्लांट हमें लगाना है ना वो चाहिएगा, उसके अलावा मिट्टी चाहिएगी, बॉटल चाहिएगी। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके इकट्ठा करूँगी। तो चलिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं के लिए। देखो, मैं फाइनली आ गई हूँ छत पे और मुझे ये ना ये वायर मिला था। अब ये वायर मेरे को लेना है, कट करना है। लो जल्दी जल्दी में मैं कटर तो नीचे ही भूल गई, अभी मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा नीचे और यहाँ लाने पड़ेगी कटर। फिर इसमें से वायर मैं कट करूँगी। तो देखो, यहाँ पे मैं कटर प्लस दोनों लेके आई हूँ, जाके जो भी ज़रूरत पड़ेगी ना वो मैं काम में ले लूँगी, जिससे मैं बार बार नीचे भागना ना पड़े। तो मेरे पास जितना भी बॉटल्स का स्टोर था ना, वो मैंने सारा यहाँ पे कर लिया, खाली कट्टे के अंदर भर रखी थी। इनमें से सिर्फ एक बॉटल मैंने लेनी थी, जो मैंने ले ली है, बाकी के सारे अंदर भर के रख दिए हैं, जहाँ से मैंने लिए थे उसी जगह पे। पापा, अब मैं इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी आगे, गैस चलाऊँगी, ऑन करूँगी और आप देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे कट करती हूँ और छेद करती हूँ। चलो, वायर तो सेट हो गए हैं बॉटल के अंदर। अब बात आती है इसके अंदर मिट्टी डालने की। तो ऊपर कैरेट में मैं मिट्टी डाल रही हूँ बॉटल्स के अंदर, इसको पूरा फुल कर ले रही हूँ। गीली मिट्टी है, इसके अंदर बिच्छू घास लगा, बिच्छू घास के छोटे छोटे पीसेस करके सारे के, मतलब चारों साइड में मैं इसको अच्छे से फिल कर दूँगी, लगा दूँगी, पूरा भर जाएगा। उसके बाद में हम इसको हैंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक रस्सी तो नहीं बट एक साड़ी का जो है चीर ले ली है, उससे मैं इसको यहाँ पर हैंग कर ले रही हूँ। तो हमारा हैंगर बन के आता है कुछ इस तरीके का, आपको फाइनल लुक अभी मैं यहाँ पे दिखाई देती हूँ। तो ये बन के हो चुका है यहाँ पे रेडी। तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं बट देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, फ्लावर्स आएंगे तब तक। तो फाइनल लुक आपने देख लिया हमारे जो प्लांट का। तो मिस मैंने इसके अंदर बिच्छू घास लगा दी और एक घंटे के अंदर देखिए मैं हो गई तारम तोर एकदम पसीनों में। तो पसीने इतने ज़्यादा आ गए ना कि आज तो फिर भी धूप कम है, फिर भी इतने सारे पसीने हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा छाया में रिलीफ ले लेती मैं अभी। तो हर किसी काम को करने में मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत लगती है तो उसका नतीजा भी अच्छा ही मिलती है, आई एम श्योर, और मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ पे। तो पहले पसीने अच्छे से पोंछ लेती, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हमारा प्लांटर बन के हो चुका है रेडी। तो अभी ये ना ये 10-15 दिन के अंदर, वैसे मैंने इसके अंदर गीली मिट्टी ही डाली है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि बॉटल के अंदर मैंने बाद में छेद किए थे, मैं उस टाइम मेरे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि पत्तियाँ वगैरह जो बिच्छू घास लगानी थी ना, तो बॉटल के चारों साइड लगानी थी और उसमें छेद करनी ज़रूरी थी, तो वो बाद में करके लाई थी। तो
बस यही था आज का हमारा प्लांटर हैंगर बनाने का। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक करना। एक चीज़ और, 10-15 दिन के बाद में मैं बोल रही थी लेकिन भूल गई, 10-15 दिन के बाद में इसमें जो है अच्छी घनी हो जाएगी ना, इसमें फ्लावर्स वगैरह आएंगे तो बहुत ही काफ़ी जो है मतलब सुंदर वाला लुक आएगा इसका देखने पर। तो चलिए इसका वेट करते हैं हम। तो कैसा लगा, एक चीज़ और, सासू माँ का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि प्लांट्स वगैरह की जो देख रेख है ना वही करती है, शाम सुबह सुबह आती है, उसमें पानी वगैरह डाल के जाती है सारे प्लांट्स से, हमारे जो मिनी गार्डन है उसमें, तो वो देखेगी पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। बट आई होप बेकार वाला नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई बेकार चीज़ नहीं बनाई है। तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलना। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे अपना सारा सामान लेके, ट्राईपॉड वगैरह जो भी एक्सटर्नल सामान है सारा, और यहाँ से थोड़ा सा साफ़ सफाई करके। तो तब तक बाय बाय।